ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, खुश हो गए और बिल्कुल स्वस्थ हो गए। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। एक छोटी सी एग्जांपल लेके मैं शुरू करना चाहता हूं कि मान लो मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉई है जो किसी एक कंपनी में काम करता है। मिस्टर एक्स के बॉस ने उसे एक छोटा सा काम दिया जो उसे एंड ऑफ द डे वापस करनी थी। मिस्टर एक्स ने क्या सोचा कि यार एक छोटा सा काम है, चलो थोड़ा एंजॉय करके मैं उस वर्क को एग्जीक्यूट करता हूँ। लेकिन बीच बीच में मिस्टर एक्स ने कभी कॉफ़ी पिया, कभी वॉशरूम गया, कभी फ्रेंड्स के साथ गॉसिप कर लिया, तो इन्हीं में बिताने लग गया। जैसे ही सेकेंड हाफ स्टार्ट हुई ऑर्गेनाइजेशन में, तो मिस्टर ए काम करने बैठा। जब मिस्टर ए काम करने बैठा तो उसके पास देख रहा है कि 4-5 मेल आ चुके हैं और सारे मेल्स में लिखा हुआ है कि प्लीज़ मुझे इसका रिस्पॉन्स एंड ऑफ द डे तक दे दो। अब मिस्टर एक्स समझ नहीं पा रहा है, उसने सर पे हाथ लेके बैठ गया कि अरे भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल मत फंसना। आइए इसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं समझते हैं। टाइम मैनेजमेंट ही एक ऐसा टूल है जो आपको प्रॉपरली हेल्प करेगी कि आप अपने वर्क प्लेस में इफेक्टिव वे में कैसे अपने सारे कामों को मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का छोटा सा मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम को कम से कम समय में इफेक्टिव वे में करना। ठीक है, इसकी सबसे पहली टेक्निक अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको कहूँगा जो मिस्टर एक्स ने गलती की, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करना सबसे बड़ी गलती है। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहली प्रायोरिटी आप दो, रिमूव डिस्ट्रैक्शन या अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जितना डिस्ट्रैक्शन और गॉसिप आप अवॉइड करोगे उतनी प्रॉपरली आप कम समय को बचा के उन छोटे छोटे मेलों का रिप्लाई कर सकते हो जो डे टू डे आते हैं। सेकेंड, आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, लिस्ट बना के प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि कौन सा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम आपके लिए शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, और जो मैक्सिमम प्रायोरिटाइज हाईली प्रायोरिटाइज वर्क है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर जो हाईली प्रायोरिटाइज काम है और वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो ट्राई करना कि इन बिटवीन आप छोटे छोटे एक दो कामों को भी क्लोज कर लो। थर्ड, अगर आपने 3-4 घंटे काम कर लिया तो ऑलवेज ट्राई टू टेक अ पॉज। आपको कम से कम 10-15 मिनट की पॉज लेनी है। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रेन को बूस्ट होने में हेल्प मिलेगी। फोर्थ, अगर आपको लगता है कि आप इन सारे कामों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज टेक द हेल्प ऑफ योर कलीग्स। आप अपने कलीग्स की हेल्प लो, क्योंकि जितनी हेल्दी रिलेशन आप अपने कलीग्स के साथ बिल्ड करोगे तो आप इफेक्टिवली दोनों मिलके या 4 लोग अपने टीम में हो तो 4 लोग मिलके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आप प्रोवाइड कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन आपसे बिल्कुल ही सेटिस्फाई रहेगा। फिफ्थ, आप हमेशा ट्राई करो कि अपने साथ एक टू डू लिस्ट मेंटेन करने का। एक अच्छे प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है टू डू लिस्ट। अगर आप टू डू लिस्ट इवन डे मेंटेन करते हो और उसको रेगुलर टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में उसको रिव्यू करते रहते हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट सोर्स बन सकता है टाइम को मैनेज करने का। मैं स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली कहूँगा, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं और वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते उनके लिए कहूँगा, प्लीज सेट अ गुड गोल, अचीवेबल गोल एंड ऑब्जेक्टिवेबल गोल। ऐसा गोल सेट करो जो बहुत अच्छा हो और जो अचीव कर सको। हम कभी कभी बाई चांस गलती क्या करते हैं कि हमारी गोल्स इतनी लंबी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि हम उसको प्रॉपरली टाइम से मैनेज नहीं कर पाते हैं। गोल्स कितनी अचीवेबल है वो आप खुद से अगर पूछोगे तो आप प्रॉपरली समझ पाओगे कि मैं कितना काम है आज कर सकता हूँ। मान लो किसी चैप्टर से पढ़ना है तो आज आप कितने चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। आपने अननेसेसरी बोल दिया कि आज आप 3 चैप्टर्स पढ़ लोगे, 4 चैप्टर्स पढ़ लोगे, ये आपका टारगेट है और आप उसको अचीव नहीं कर पाए। इससे अच्छा है कि आप ऐसे रखो कि एक दिन में एक ही चैप्टर्स पढ़ना है, एक दिन में ओनली 10 पेज ऑफ फर्स्ट चैप्टर 1 पढ़ना है, दैट इज ओके। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को बूस्ट मिलेगी अगर आपने उस टारगेट को अचीव कर लिया तो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो और मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आई होप मैंने आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, बाय।